2018 BSF CSF रिक्रूटमेंट के ये एस्पिरेंट्स हैं जो कि पिछले साल लंबे वक्त तक थे, जो धरने पर बैठे रहे थे बीजेपी मुख्यालय के बाहर, और इनको लगातार आश्वासन भी दिए गए थे, और अब एक बार दोबारा से ये आए हैं और अपनी बात रखने के लिए। लंबा इनका जो पूरा ये पूरा प्रोसेस था लंबे बस्ते में चला गया था, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जितेंद्र सिंह ने भी ये चीज़ बोली कि हमारे अपने नेता जो हैं आश्वासन दे के आ जाते हैं, जबकि नहीं देने चाहिए उस जगह पर उस इस तरह से, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो सरकार ही निर्णय करती है, वो प्रोसेस में होती हैं। तो अब इतने लंबे वक्त के बाद अब दोबारा आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, लगता है कुछ होगा। जब इतने देर से आप लोग प्रदर्शन कर रहे तब नहीं हुआ, तो अब दोबारा से सरकार जो है उस पर कुछ लेगी, कुछ संज्ञान। सो सारे को पहले थोड़े चैनल का, थोड़ी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। सर ऐसी गल है कि लगने का यह गल है कि इस देश ने एमरजेंसी का भी दौर देखा, और इस स्टेट ने एक साल नैट बंद का भी दौर देखा। हालात इस तो भी क्रिटिकल देखे ने देश ने, और आंदा टाइम लगता कुसै चीज़ा की, लेकिन दुख इस गल का है कि जिन्हें साड़ी स्टेट की रीप्रजेंट करना, साड़ी गल करनी हुई, साड़ी आवाज़ नैगेटिविटी फैलाते हैं। एक दिन को इनफॉर्मेशन गलत होंगी है, दूआ लोगों की भी गलत देंगे। ये आखा करते हैं कि 2000 वैकेंसी, हूँ इन्हें आख्या कि साड़ी अपनी बरादरी के लोग जोड़े ना झूठे वादे करते हैं, लेकिन जनाब वादा तुसें किया, हाँ कुसा ने नहीं किया। और 2000 वैकेंसी जोड़े ने रियल स्टेट समिट च आख्या कि 2000 वैकेंसी, सानू 2000 वैकेंसी नहीं थोड़ी, सानू 1356 थोड़ी है। उस तो उपर जे बच्चे बाकी रैस रही है वो सारे इतने सड़के पर रोड़ा करते हैं, फिर तुम 2000 बच्चा कि लगाया, क्या कोई बैकडोर कहना लाया गया। और सर ऐसी जेडे ये भाजपा के लीडर ने आखते हैं कि कुसा पार्टी के उकसाए ने या लोग इन्हें उकसा करते हैं, सर सानू कोई नहीं उकसा करता, साढ़े कहना जो इनजस्टिस होया अस उसके खिलाफ बोला करने, साड़ी इको डिमांड कि सानू ज्वाइनिंग दी जा। अज अं एक निका जहा ट्रेलर दिता है कि इं रोड ब्लॉक हो सकता और इस तू बड़ा भी हो सकता। अस दो दिन का टाइम दें एडमिनिस्ट्रेशन की कि एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े कहना गल कर, सू लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहना गल करा, अगर ऐसा नहीं हों फिर एडा प्रदर्शन है उग्र होकर, फिर जम्मू कश्मीर के तमाम जिहड़ियां ऑर्गनाइजेशन जिहड़े भी प्रोटेस्ट करा करदे ने उन्हें सारे एक प्लेटफॉर्म आनी है उग्र प्रदर्शन करके, फिर रोड ब्लॉक होया चाहे भाजपा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन होया जां भाजपा के लीडर का खराब होया, उसकी जिम्मेवार भाजपा सरकार खुद होगी। सर पिछले साल भी कोरोना के चलते कि तुसे प्रोटेस्ट मुकाया है कि कोरोना के केस बधे पीक पर है, तो तुसे अपने रिजेंटमेंट शो कर दे आपू के आख्या कि अस उठा रहे हैं, इस बार भी तुसे उस वेले आख रहे हो जिसले थर्ड वेव की आखर इनकी फरवरी से पीक आनी है, तो टाइम थोड़ा गलत नहीं हुई है सर? अहें वो किया जिहड़ा साडा फर्ज बनता एक देशभक्त होने के नाते जां देशवासी होने नाते जिहड़ा फर्ज बनता, लेकिन मुझे एक गल दसो कि रैली साढ़े गै प्रोटेस्ट करोना आता, रैलियों कोई करोना नहीं आता, जलसे कोई करोना नहीं आता, भाजपा भीड़ इकट्ठी करे कोई करोना नहीं आता, सिर्फ साड़ी गै बड़ी करोना आता। हूँ ये हूँ करोना नहीं होगा, उन्हें जवाबदारी ये देंगे। आश्वासन पिछली बार दिते हैं नेता ने भाजपा के, उनका क्या है, उन्हें पूछा दोबारा जाइए कि भाई कुछ नहीं, कोई खाली आश्वासन रही बंद करी बैठे इंटरव्यू बंद करी बैठे कि बच्चे आने अंदर नहीं आते। सर अस जल्द हैडक्वार्टर जन्ने ना बीजेपी के, तो दोबारों देखिए आखते नहीं सर आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अस रिक्वेस्ट करने सर पर नहीं सुनते, फिर सा मजबूर हो जाए अस इतना आने वास्ते, और भाजपा सरकार भाजपा की या होर पार्टियों भी एक वार्निंग है कि जेडे खासकर भाजपा की जो पिछला मैनीफेस्टो पहले और क्लीयर करो, नवे छोले भटूरे या जो नवे तो लालीपॉप बनते हो बंडना बंद करी दो, पहले पिछले का हिसाब होग फिर अगली गल होग। बॉर्डर बटालियन वो फिर कटाक्ष करा रहे हो सर सारे की बॉर्डर बटालियन क्यों, आर्मी वाले भी वो भी साढ़े भरा ने यूथ है, भी NHM वाले जुड़े कि तुम पहले हेल्थ वॉरियर आख दो हूँ तो उन्हें डांगा फेरा कर दो, मतलब हर अस सारे लिए चला करने कि सारे ने इंसाफ किया ला, लेकिन अस साढ़ा पहले अस अपने वास्ते आए हैं, साढ़ा अपना मंगना भी जरूरी है, अस उन्दे वास्ते भी आख्या करने अपने वास्ते भी आख्या करने, साड़ी मांग ही है कि साड़ी लेफ्टिनेंट गवर्नर होने गल कराई जा, और सानू जिन्हें भी बच्चे हैं इनकी ज्वाइनिंग दी जा, और जेडे जिंदे कन्नै भी इंसाफ इन्हें इंसाफ नहीं किया उन्दे कन्नै इंसाफ करना चाहिए। अस रिक्वेस्ट करने कि प्लीज़ सर सारे कन्नै सारे की बराबर रखे जा, तुस आखते तो आओ कि 2 करोड़ नौकरियां या 1.5 लाख नौकरियां इत्थों दा कुछ नहीं खड़ा लालीपॉप है थोड़ा दिते दा, कुसै कुछ नहीं थोया, ये रो युवा जरा सड़कें पर बेरोजगार घुमा करता है, जद्दोजहद करा करता है, बार बार तुस अपनी लड़ाइया छेड़िया, ये जी चूहे बिल्ली वाली लड़ाई नहीं छेड़ो, ये चिड़िया वाली लड़ाई नहीं छेड़ो, एक दुए की ताना मारिए कुछ नहीं होना, जनता कन्नै तुसें गल करनी पौनी, जनता के इशू जो सॉल्व करने पौने। कुछ गए थोड़े दोस्त मित्र जिंद ओवरएज भी मिगी लगता है सारे न तकरीबन कोई 10 ओवरएज होइए सर, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 80% है जोड़ा वह ओवरएज होइए, उन्दे च कुछ होणगे जिहड़े जिंदे रही 15 दिन जां महीना रही वह भी समझ लो तुस ओवरएज ही लाओ। न्यू रिक्रूटमेंट कौन सी आ रही है जो 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 जिनकी एज नहीं है वो देखेंगे, कोई नई भर्ती आ ही नहीं रही है जिनकी एज नहीं है, अगर नई भर्ती आए तो जिनकी एज नहीं है वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वाटर पेट्रोलिंग नोटिफिकेशन है क्या आप लोग उसमें फॉलो करते हैं?
बिल्कुल सर, फॉल करेंगे क्योंकि हर एक रिक्रूटमेंट का कोई क्राइटेरिया होता है, उस एलिजिबिलिटी को हम कब का पार कर चुके हैं, इसलिए हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए और तो काफ़ी जो लड़के हैं वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, तो वो भी नहीं उसमें अप्लाई कर सकते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ना तो आप नई भर्तियाँ दे रहे हैं, जो भर्ती की है आपने उसको 3 साल लगा दिए, लेकिन अभी तक उसका भी कोई क्लियर कट नहीं किया, क्या है क्या नहीं, आपने लटकाया हुआ है 1.5 साल से लड़कों को, तो प्लीज़ इस मसले का हल किया जाए और हमें ज्वाइनिंग दीजिए। लगती है क्योंकि कहते हैं ना कि एक मूवमेंट को चलती शांत हो जाए उसके बाद दोबारा उस आग को आग जलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी आग बुझ जाए तो। आप लोगों 1 साल के बाद आए हो, तो वो जो पहले आपके साथ स्ट्रेंथ इकट्ठा थी या फिर सोशल सोसाइटी या फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग पीछे खड़े हो रहे थे, अब कहीं ना कहीं उनके पास और बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं, इस कारण लगता है कि आपको दोबारा। मैं आपको बता दूँ कि जितने संगठन जितनी सोसाइटी की हेल्प पहले थी हमारे साथ, आज भी वो हमारे साथ हैं, उनकी संवेदना हमारे साथ है, वो हमें कहते हैं जितने भी वर्ग हैं जितने भी संगठन हैं J&K में, जितने भी जो युवा यूथ के संगठन हैं, वो सारे हमारे साथ आकर हम अभी तो हमारी रिक्वेस्ट है इनसे कि प्लीज़ हमारी बात सुनो, LG सर से भी, कि आपने कश्मीर की एक लड़की थी जिसने होमवर्क के लिए LG साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो LG साहब ने उसका वीडियो मैसेज सुन लिया। हम 88 दिन BJP दफ्तर के बाहर धूप छाँव बारिश झेलते रहे, लेकिन हमारे एक दिन का भी हिसाब LG साहब को नहीं मिला। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, क्यों हमारे साथ, क्यों युवा के साथ धोखा हो रहा है? अगर नहीं होता है तो फिर प्रदर्शन पे बैठेंगे, धरने पर प्रदर्शन लास्ट इलेक्शन तक चलेंगे, फिर बुरी हालत हो जाएगी BJP गवर्नमेंट की। हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद जो उग्र प्रदर्शन होंगे उसकी गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी। देखो ना, एक दिन उनकी गल करनी है, उनका ट्रेलर दसना, जंदियाल इन्हें दिख लिया ट्रेलर, MP साहब ने दिख लिया, तो युवा BJP मोर्चा ने कठुआ दिख लिया, तो इन्हें दसने की लोड़ नहीं है। इस करिए जो पीसफुली बैठे हैं इनका पीसफुली काम निपटाना चाहिए, इन्हें उग्र की तरफ नहीं लेना जाना चाहिए। एक इनका मैं BJP पार्टी वालों का वहम निकाल दूँ, जे मत सोचते हों कि जे जो जम्मू है, पहले तो जम्मू इनके साथ था, ये कहते थे कि सबका साथ, जम्मू वालों ने इनका साथ दिया, कहते थे सबका विकास, विश्वास इन पर, विश्वास करके इनको वोट दिया, लेकिन इन्होंने हमारे साथ जम्मू वालों के साथ विश्वासघात करा है, उस विश्वासघात का खामियाजा इनको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा, और बड़े ही सतर पर। अपने इस लिहाजे से ये BJP सरकार को सचेत आगाह भी करते हुए, और पिछले 88 दिनों में जब इन्होंने पिछले साल जो प्रदर्शन किया था वो प्रदर्शन बहुत लंबा चला था, और एक BJP के लिए किरकिरी उसमें लगातार हो रही थी, क्योंकि BJP मुख्यालय के बाद ये तमाम यूथ बैठे हुए थे। अब एक बार दोबारा से ये लोग आए हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने कोरोना में अपना प्रोटेस्ट खत्म किया था, इस बार ये वार्निंग देने आए हैं उस समय जब दोबारा से थर्ड वेव के केसेस बढ़ोतरी में हैं। आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कुछ करेंगे तो अब हम नहीं देखेंगे, ना ही ये देखेंगे कि कोविड की कोई प्रोटोकॉल है या फिर कोई लिमिटेशन, अपने तरीके से हम प्रदर्शन करेंगे, और BJP को सेटबैक आने वाले चुनाव में होगा अगर वो इन CSF BSF एस्पिरेंट्स का इशू जो है रिजॉल्व नहीं करते, जो 2018 की भर्ती का मसला बना हुआ है। विजिलेंस शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।